देखिए, पैसों का आविष्कार नहीं हुआ था तब भी लोग एक दूसरे के साथ ट्रेड तो करते ही थे, राइट? कैसे? यूजिंग बार्टर सिस्टम, कि मेरे पास 500 ग्राम टमाटर है, मैं आपको देता हूं, आप मुझे 2 किलो गेहूं दीजिए। इट इज, ये क्या है? बार्टर सिस्टम, साटा पद्धति। कई सदियों तक इसी प्रकार से ट्रेड तो चलता रहा, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी खामी थी। खामी ये कि मेरे पास टमाटर है तो मुझे कोई ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसके पास गेहूं भी है और जिसको दिलचस्पी है टमाटर खाने में या खरीदने में, और सामने उस पार्टी को भी। तो ये जो कि दो पार्टी की जरूरत या वांट्स एक दूसरे के साथ मैच होनी चाहिए, इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अगर ये पूरा ना हो तो क्या होगा? दिलीप कुमार की माफिक मुझे यहाँ वहां की, ए भाई ये भाई, 10-12 लोगों को पूछते रहना पड़ेगा कि भाई मतलब कि ये ट्रेड और इकोनॉमी के लिए बार्टर सिस्टम सही नहीं है। और जब कोई समस्या है तो फिर लोग उसका समाधान भी निकाल लेते हैं। समाधान कैसे निकाला? पैसों का आविष्कार करके। पैसों का आविष्कार हो गया तो फिर बहुत सारी ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की पूरी समस्या खत्म हो गई, कि मैं किसी एक व्यक्ति को टमाटर बेच दूं, वो मुझे पैसा देगा, और पैसा देके मैं किसी और व्यक्ति से गेहूं खरीदूं या कुछ भी और काम करूं। तो इस कारण से ये बार्टर सिस्टम बंद हुआ और मनी सिस्टम में हम आए। अब मनी सिस्टम में आए तो आप देखिए, पहले वानर था, फिर बना आदि मानव, और फिर आधुनिक मानव। क्या हुआ? एवोल्यूशन हुआ है, उत्क्रांति हुई है। वैसे ही पैसों का भी यही हुआ कि सबसे पहले आपको पता होगा हड़प्पा संस्कृति के अंदर वो टेराकोटा कॉइंस मिट्टी के बने, और फिर वो सेल्स वगैरह जो मिलते थे, पहले उस प्रकार के कुछ कॉइन करेंसी का इस्तेमाल हुआ। फिर हम मध्यकालीन युग में आते हैं तो क्या था? मेटालिक कॉइंस, ये अशर्फी, दिनार, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइंस, ये वो। फिर आधुनिक समय में हम आए, पेपर करेंसी आ गई, थोड़े और आधुनिक बने तो आ गई बैंक करेंसी, ये क्रेडिट कार्ड है, चेकबुक, डिमांड ड्राफ्ट, ये वो। और उत्क्रांति का अगर हम लेटेस्ट फेज की बात करें तो वो है बिटकॉइंस, और उसी प्रकार लाइट कॉइन, डीजी कॉइन, सब डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। अलग से लेक्चर में हम इनकी और डिटेल में बात करेंगे, बट इन शॉर्ट कि बार्टर सिस्टम में कुछ खामी थी तो हम मनी सिस्टम में आए और मनी सिस्टम में एवोल्यूशन हुआ। आज जो हमने फोकस करना है इस फेज पर, ये जो पेपर करेंसी वाला है, जब ये फेज आ गया तो एक नई सिस्टम बनने लगी। इस नई सिस्टम के अंदर दो यूनिट्स थे, एक तरफ थी हाउसहोल्ड्स और सामने थे बिजनेस फर्म्स। हाउसहोल्ड क्या काम करते थे कि आलोकनाथ के पास कुछ जमीन है तो वो लीज पे दे दिया, तो विजय माल्या क्या करेंगे? सामने रेंट पे करेंगे, ठीक? आलोकनाथ सोचते हैं मैं किसी कंपनी में काम करता हूं तो वो लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सामने माल्या क्या करेंगे? उन्हें पगार देंगे, वेजिस। अब ये रेंट और वेजिस से आलोकनाथ के कुछ पैसे बच गए, वो उसे जाके रखेंगे बैंक में, और बैंक वापस लोन देता है किसी और बिजनेसमैन को, ठीक? तो यहां पे इनकी जो सेविंग थी इनके लिए क्या बन गई? कैपिटल, मूड़ी बन गई। और इस प्रकार से मूड़ी बनी है उसी, तो उस पे उन्हें ब्याज भी देना पड़ेगा, ठीक? बैंक से अगर माल्या ने लोन लिया है, लोन का ब्याज यहां पे चुकाएंगे, उसमें बैंक वाले थोड़ा अपना काट के फिर आलोकनाथ को भी उसके सेविंग अकाउंट में या फिक्स डिपोजिट में कुछ पैसा मिल जाएगा। उसी प्रकार आलोकनाथ ने मान लीजिए शेयर मार्केट में पैसा रोका है, म्यूचुअल फंड, ईपीएफ, एलआईसी, तो यहां से भी कुछ करके पैसा तो किसी बिजनेसमैन के पास जा रहा है कैपिटल बनके, और उस पे वो इन्हें प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड कुछ पे कर रहा है। मतलब कि यहां से लैंड, लेबर, कैपिटल सप्लाई होता था, और ये लोग क्या करते हैं? रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सब यहां पे बेचते थे। इस प्रकार से क्या हुआ है? मनी का एक सर्कुलेशन हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि माल्या तो मतलब बिजनेस फर्म, इनका भी अपना किसी बैंक में सेविंग्स अकाउंट तो होगा ही, राइट? तो फिर वहां से दूसरे किसी बिजनेसमैन पे चल रहा होगा। तो ये अपना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। और इस पूरे बहाव को फैसिलिटेट करने वाले मिडलमैन जो हैं, इंटरमीडियरी जो हैं, उनको बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, एफआईज। और ये एफआईज दो टाइप के होते हैं, एक तो अपने बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और दूसरे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अक्षय कुमार मतलब घर में पड़ा है सोना फिर काय को रोना, वो क्या है? वो बैंक नहीं है, वो है एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। फ्यूचर लेक्चर में हम पूरा क्लासिफिकेशन हम समझेंगे कि ये बैंक तो उसके, फिर कमर्शियल बैंक क्या होता है, कोऑपरेटिव, प्राइवेट, आरआरबी, पब्लिक सेक्टर बैंक, यहाँ पे एनबीएफसी के अलग अलग टाइप्स। लेकिन ये क्या है? अपना इंट्रोडक्शन है। तो हाँ, एक एक करके बहुत ऊपर से हम देख रहे हैं और धीरे धीरे जूम इन करके हम आज के टॉपिक तक पहुंच रहे हैं। आज के टॉपिक में हमने फोकस करना है, अपने हीरो हैं राजन भाई। देखिये, बार्टर सिस्टम चला गया तो अब क्या है? एक तरफ कुछ सप्लाई है और दूसरी तरफ यहाँ पे जो पहले क्या था, गेहूं था, सामने टमाटर, यहाँ क्या है? कोई प्रोड्यूस है और सामने पैसा है, और इन दोनों के बीच कोई एक इक्विलिब्रियम बना होगा। सपोज ये चल रहा है कि 1 किलो
ऑनियन की कीमत चल रही है 100 रुपए। ये कुछ एक सप्लाई डिमांड का इक्विलिब्रियम बना है। किसी कारण से ये अगर खराब हो जाए तो फिर क्या होगा, महंगाई, इन्फ्लेशन। एक परिस्थिति हाइपोथेटिक समझते, गरीबी हमारे देश में बहुत है, तो मान लीजिए नरेंद्र मोदी नई स्कीम चालू करते हैं, दीनदयाल सूटकेस ले लो योजना। इसका फीचर यह है कि नरेंद्र मोदी ने राजीव भाई को फोन कर दिया कि आप ट्रक भर के नोट छाप के मेरे पास भेज दो, मैं हर एक सूटकेस के अंदर 10-10 लाख की नोट रख दूंगा और हर एक बीपीएल फैमिली को ये एक एक सूटकेस दे दी जाएगी दीनदयाल सूटकेस योजना के तहत। तो मुझे सोच के बताइए, इससे गरीबी कम होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी देखते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इनके हाथों में पैसा बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या सामने वो ऑनियन सप्लाई उतना बड़ा नहीं, तो क्या होगा फिर कि बहुत सारे लोग हैं, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। इन सभी लोगों के पास पैसा है और सभी लोग डिमांड कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, जो 100 रुपए की ऑनियन बिकते थे, एक बोलेगा मैं 200 देता हूं, दूसरा बोलेगा 300-400, तो 100 से करते करते ऊपर क्या हो जाएगा, 1000 रुपए एक किलो ऑनियन के हो जाएंगे। और ये क्या हुआ, इन्फ्लेशन, महंगाई। अब इसको मान लीजिए किसी कारण ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो गया, तो हम इस ऑनियन का दाम वापस कैसे कम कर सकते हैं, सोच के बताइए। एक तो हम ये कर सकते हैं कि सप्लाई बढ़ा दें, ठीक, कि बहुत सारे ऑनियन पाकिस्तान से इंपोर्ट करो, सोमालिया से इंपोर्ट करो, यहाँ सारे किसानों को सब्सिडी दे दो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर कर दो, कुछ करके आपने सप्लाई बढ़ा दिया, तो फिर क्या होगा, वापस इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा कि एक किलो के, हाँ ठीक है 100 रुपए। ये काम तो फिर सरकार कर सकती है, राजन भाई क्या कर सकते हैं, वो सप्लाई साइड पे तो उनका कोई अथॉरिटी है नहीं, वो यहाँ पे कुछ करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, कुछ कोई जुगाड़ लगा के ये जो पैसा बहुत सारा है उसे मैं कम कर दूं, ठीक है। अगर किसी कोई तुक्का या कोई दवाई करके राजन भाई ये मनी सप्लाई को कम कर दें, तो फिर क्या होगा, वापस हम अपने इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, जो 1000 रुपए की ऑनियन बिक रहे थे वापस कितने हो जाएंगे, 100 रुपए, ठीक है। तो मतलब कि अगर आरबीआई चाहती है महंगाई से लड़ना, तो उन्हें क्या करना चाहिए, मनी सप्लाई बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए, कम करना चाहिए, दे हैव टू रिड्यूस द मनी सप्लाई। और इस प्रकार की पॉलिसी जब राजन भाई फॉलो करेंगे तो उसको बोलते हैं टाइट मनी पॉलिसी, ठीक है। टाइट मनी पॉलिसी कब, जब मनी सप्लाई को कम किया जा रहा है। इसके लिए एक और भी शब्द प्रयोग होता है, उसको बोलते हैं डियर मनी पॉलिसी। डियर शब्द का मतलब है कीमती, कीमती कोई चीज कब हो जाएगी, जब वो शॉर्ट सप्लाई में होती है। बाहर अपने को सैंड बहुत है, उसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन अगर डायमंड हो बहुत कम है इसलिए कीमत ज्यादा है। यहां भी जब मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो मनी की अपनी कीमत बढ़ जाएगी। कीमत किस अनुसंधान में, कि जो आपको पहले उधारी में 10% ब्याज पे देते थे, अब वो मांगेंगे कि नहीं 20% दो। तो इस प्रकार से मनी पहले से ज्यादा कीमती हो जाएगा, डियर हो जाएगा। तो जब महंगाई से लड़ना हो तो क्या करना चाहिए सेंट्रल बैंक को, मनी सप्लाई कम करना चाहिए, हाँ। टाइट मनी पॉलिसी परस्यू करनी चाहिए, हाँ। डियर मनी पॉलिसी परस्यू करनी चाहिए, हाँ। अब महंगाई तो आप समझते हैं, दाम बहुत दिन ब दिन बढ़े तो उसको महंगाई बोलते हैं, और वो क्यों खराब है आप सब समझते हैं। लेकिन उसका उल्टा डिफ्लेशन हो रहा हो, कि बहुत जल्दी से नीचे दाम गिर रहे हो, डिफ्लेशन हो रहा हो, तो वो भी इकोनॉमी के हित में नहीं है। अब क्यों हित में नहीं है, एक मोबाइल फोन आज की तारीख में मिलता है, अगर आप सस्ता वाला भी पकड़े तो अराउंड 1000 रुपीज या 999, ठीक। अब मान लीजिए कि किसी कारण से कोई मोबाइल खरीद ही नहीं रहा है, तो धीरे धीरे के वो एक, ये तो नहीं होगा कि वो मोबाइल वाला ये बोले कि मैं 10 रुपए में आपको मोबाइल दे दूंगा, ठीक। उसका भी कुछ रॉ मटेरियल का कॉस्ट होता है, स्टाफ सैलरी होती है, तो फिर वो क्या करना शुरू करेगा, जब डिफ्लेशन आएगा, बाजार में चीजों को कोई खरीद नहीं रहा है और उस कारण दाम नीचे नीचे गिराने पड़ रहे हैं, तो फिर वो मोबाइल कंपनी वाला क्या करेगा, कुछ लोगों को नौकरी से निकाल देगा। कुछ कंपनी वाले ये करेंगे कि इन्फीरियर क्वालिटी, फिर वो सर्किट वगैरह यूज करेंगे। ऐसे ही फूड कंपनी होगी तो फिर वो एडल्ट्रेशन, मिलावट खोरी शुरू कर देंगे। तो और अगर कोई कोई कंपनियां तो ऐसी होगी कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई चीजें खरीद नहीं रहा और एक हद से नीचे वो अपने दाम गिरा भी नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, कंपनी बंद कर देंगे। कंपनी बंद करेंगे तो जिन बैंक वालों ने उन्हें लोन दी है पूरा एनपीए में चला जाएगा, और फिर वो कंपनी बंद करके बेरोजगारी आ जाएगी, तो फिर लोग ज्यादा देशी दारू पियेंगे और बच्चों की पिटाई करेंगे, तो फिर इस कारण से डिफ्लेशन हमारे हक में नहीं है, डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर हमने अचीव करना है।
तो अब डिफ्लेशन से लड़ना हो आरबीआई को तो क्या करना चाहिए, जो यहां करना चाहिए उसका ऑपोजिट यहां पे करना चाहिए, ठीक है। अगर यहां पे मनी सप्लाई को कम करना चाहिए तो यहां क्या करना चाहिए, इंक्रीज द मनी सप्लाई। किसी कारण से लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आ गया तो क्या करेंगे, ज्यादा खरीदी करेंगे, डिमांड बढ़ेगा और वापस चीजों के दाम धीरे धीरे ऊपर आने लगेंगे। यहां पे टाइट मनी पॉलिसी तो क्या होना चाहिए, इजी मनी पॉलिसी। यहां पे डियर मनी पॉलिसी तो क्या होना चाहिए, चीप मनी पॉलिसी। ये डियर का मतलब क्या है, कीमती, तो उसका क्या होगा, सस्ता ऑपोजिट, चीप मनी पॉलिसी। बस ये कंसेप्ट आप दिमाग में फिट कर दीजिए तो बाकी जितने भी एमसीक्यू इस पे से निकलते हैं आराम से सॉल्व किए जा सकते हैं। ये तो हमने बात करी कि मॉनेटरी पॉलिसी। अब कोई भी पॉलिसी हो तो उसे इंप्लीमेंट करने के लिए हमने कोई स्कीम चलानी पड़ती है, कोई एक्ट बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर रूरल डेवलपमेंट की पॉलिसी है तो उसमें बात की गई होगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना है, तो उस पॉलिसी को लागू कैसे करेंगे, आपने एक कानून बना दिया मनरेगा, ठीक। उसी प्रकार अगर नेशनल यूथ पॉलिसी में ऐसा बोला होगा कि युवाओं को और हम वोकेशनल स्किल देंगे तो उसे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, एक स्कीम बना दिया, दीनदयाल अंत्योदय योजना, स्किल इंडिया प्रोग्राम वगैरह। तो उसी प्रकार ये डियर मनी पॉलिसी लागू करनी है या चीप मनी पॉलिसी लागू करनी है तो लागू करेंगे कैसे, जो लागू करेंगे कैसे उसका जवाब है कुछ हथियार या टूल्स का इस्तेमाल करके। ये जो टूल्स हैं या फिर मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स है, उनके दो टाइप रहते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव टूल्स एंड सेकंड इज क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर सबसे पहले बात आती है रिजर्व रेशियो की, CRR एंड SLR, फिर आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन और फिर अलग अलग प्रकार के रेट्स, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट, बैंक LAF, MSF, ये सारी बातें, ये अपने हैं सारे क्वांटिटेटिव टूल्स। और उसके सामने है कुछ क्वालिटेटिव टूल्स, फॉर एग्जाम्पल मार्जिन रिक्वायरमेंट या फिर लोन टू वैल्यू रिक्वायरमेंट्स, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, डाउन पेमेंट, EMI, इस पे अगर राजन भाई कुछ दिशा निर्देश करते हैं, क्रेडिट रेशनिंग, फिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, मॉरल सुएशन और डायरेक्ट एक्शन, अगर कोई बैंक मात नहीं मान रहा है उसे पनिश करना है। ये सारे हथियार राजन भाई के पास हैं। आज के लेक्चर में हमने बात करनी है इन सब की, क्वांटिटेटिव टूल्स की। उसके अंदर सबसे पहला आएगा अपना रिजर्व रेशियो। रिजर्व रेशियो क्या है, CRR कैश रिजर्व रेशियो, और दूसरा है SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब आप सब एंट्रेंस एग्जाम देके बैठे हैं तो आपको पता ही होगा ये 4% है, ये 22% है। थोड़ी बैकग्राउंड थियरी समझते हैं कि ये 4% तो मतलब किसका 4% है ना, कोई बैंक है तो बैंक का काम क्या है कि डिपोजिटर से वो पैसा लेता है और बोरोवर्स को पैसा लेंड करता है, यहां पे जितना इंटरेस्ट वो पे कर रहा है उससे ज्यादा वहां पे वो लोन में इंटरेस्ट मांग रहा है, तो बीच में उसका कमीशन या मार्जिन बन गया। तो इस प्रकार से बैंक के कुछ डिपॉजिटर्स होते हैं और आप समझिए कि करंट अकाउंट में आपने पैसा डाला तो आपको 0% मिलेगा, अगर सेविंग्स अकाउंट में तो फिर 4% ब्याज देंगे, अगर प्राइवेट बैंक में अगर सेविंग्स अकाउंट खुलवाए कोटक यस बैंक तो 6-8%, और फिर फिक्स डिपॉजिट में जाएंगे तो 9% या इससे थोड़ा कम। तो ये सारे रेट्स चल रहे हैं, तो क्या है मैडम को ये सारे इतना ब्याज इनको देना है डिपॉजिटर्स को। अब ये पैसा जो हाथ में आए उसे क्या करना पड़ेगा, इन रेट से ज्यादा रेट में किसी को लोन में देना है, ठीक, बोरोवर्स को, और बोरोवर्स से फिर चार्ज क्या किया जाएगा, यहां से हमेशा ज्यादा चार्ज करना है। तो अगर 9% अगर मैक्सिमम मैडम किसी को दे रही है तो क्या करना पड़ेगा, यहां मिनिमम 10% 15% 80 जो भी हो, तो अलग अलग होम लोन का इतना रेट है, ऑटो लोन का इतना, बाइक लोन का चल रहा है। अब आप सोचिए कि अगर मैडम ऐसा सिस्टम बना के चले, इन लोगों ने 1 करोड़ रुपया जमा कराया तो दूसरे दिन 1 करोड़ इनको लोन में दे दिया, ठीक है, और फिर मैडम ये सोचती है कि हाँ तब तक तो कोई और भी आ जाएगा जो और पैसे जमा करा देगा, तो इनमें से अगर किसी ने चेक लिखा होगा तो मैं वहां से सस्टेन कर लूंगी। ये गेम अगर आप खेलना शुरू करें कि जितना पैसा आ गया है वो सारा ही हम लैंड कर दें तो फिर क्राइसिस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ सालों पहले अहमदाबाद में किसी ने अफवाह चलाई कि ICICI बैंक बंद हो जाने वाली, तो फिर अचानक से ये सारे जो डिपॉजिटर्स हैं उनकी लंबी लाइन लग गई कि हमारे पैसे वापस करो। अब स्वाभाविक है बैंक की ब्रांच में एक हद से ज्यादा तो पैसे होंगे ही नहीं, किसी अपनी संस्था करते 19-1-24 एक आर्ट ऑफ लिविंग ना सवरे सेशन राखेल हो छे जरा आपने बहुत शुरू करें। हम जो बात कर रहे थे, मान लीजिए कि यहां से 1 करोड़ रुपया मैडम ने ले लिया और सीधा ही इनको दे दिया, जेठालाल को 1 करोड़ दे दिया है और 10 साल की लोन बनाई है कि EMI इतना इतना बना और 10 साल में पूरा मैटर मुझे वापस दे दिया। अब अचानक से इन दोनों को सपना आ जाता है रात में कि बैंक बंद हो जाने वाली और ये तुरंत मैडम को बोलते हैं कि हमारा 1 करोड़ वापस दो, ठीक है, तो तब मैडम इनको जेठालाल को नहीं बोल सकती कि नहीं मेरा 1 करोड़ वापस दीजिए, वो तो 10 साल का एग्रीमेंट है, ठीक,
तो बात का कहने का मतलब ये है कि जितना पैसा आ रहा है वो सारा पैसा आप लैंड नहीं करना चाहिए, कुछ अपना इमरजेंसी बैकअप या कुशन उस प्रकार से रखना चाहिए। कितना रखना चाहिए? सीआरआर रखते हैं 4%, एसआरआर 22%, तो टोटल कितना होगा? 22 + 4 = 26%, मतलब 1/4 से ज्यादा पैसा तो आपने, आपके पास जितना पैसा आ रहा है उसका चौथाई हिस्सा तो आपने बैकअप में ही रखना है और बाकी का फिर आप लैंड करिए, ताकि जब भी ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए तो यहां से पैसा निकाल के थोड़ा फायर फाइटिंग में लगाए, तब तक वापस सिस्टम थोड़ी शांत हो जाएगी। तो ये है अपना सीआरआर और एसएलआर। इनका पर्पज अगर मुझे टेक्निकली बोलना है तो बैंक रन से बचाने के लिए, ये जो होता है कि पैनिक में आके बैंक के डिपॉजिटर्स आपसे पैसा मांगे वो बोलते हैं उसको बैंक रन। टू प्रोटेक्ट द बैंक रन, टू प्रोटेक्ट योर बैंक अगेंस्ट द बैंक रन, आपको क्या करना पड़ेगा? सीआरआर एसएलआर या कोई भी अलग फैंसी नेम के अंतर्गत कुछ पैसा बैकअप में आपने रखना है। अब ये जो 4% और 22% ये किस पे गिनेंगे हम, अब उस बात पे आते हैं। डिपॉजिटर जब पैसा रखते हैं बैंक में तो वो पैसा मैडम के लिए एक प्रकार की लायबिलिटी है, क्यों? वापस भी करना है और उस पे ब्याज भी देना है, ठीक। तो मैडम के पास जो भी पैसा आ रहा है उसको हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, एक होती है डिमांड लायबिलिटीज एंड सेकंड होती है टाइम लायबिलिटीज। फर्क समझते हैं। डिमांड लायबिलिटीज के क्या है एग्जांपल्स? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, कासा, याद रखिए। डिमांड ड्राफ्ट भी है, इस प्रकार से कुछ पैसा आता है। ये सब डिमांड लायबिलिटी क्यों है? कि जब भी ग्राहक को चाहे मूड आ गया तो वो आपसे पैसा वापस मांग सकता है। उसके सामने कुछ रहती है टाइम लायबिलिटीज, एक है फिक्स डिपॉजिट, सेकंड इज रिकरिंग डिपॉजिट, एफडी, आरडी। यहां पे क्या है, आपने पैसा जमा कर दिया तो फिर कुछ टाइम के बाद वो मैच्योर होके आपको मिलेगा, उससे पहले आप मांगेंगे तो क्या होगा, पेनल्टी में कुछ पैसा कम मिलेगा आपको। और भी उसके एग्जांपल है कैश सर्टिफिकेट, स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। अगर आप प्राइवेट बैंक में काम करने जाते हैं तो वो आपको बोलेंगे कि नहीं बॉन्ड भरो कि 2 साल तक मैं भागूंगा नहीं, तो वो क्या एक प्रकार की स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब बैंक की डिमांड लायबिलिटी बात करें सभी बैंकों की मिला के, 2013 का ये डेटा है, करीब 8,000 बिलियन रुपीज इनकी डिमांड लायबिलिटी थी। और टाइम लायबिलिटी की बात करें 78,000। इन अदर वर्ड्स बैंक की टाइम लायबिलिटी बैंक की डिमांड लायबिलिटी से ज्यादा होती है। ये एमसीक्यू के लिए आपने ये स्टेटमेंट फैक्ट याद रखना है। ऐसा क्यों? देखिए, करंट अकाउंट में पैसा रखा आपको केवल 0% मिलेगा, सेविंग अकाउंट में 4-6-8 डिपेंड करता है प्राइवेट बैंक है, यहाँ फिक्स डिपॉजिट में रख दिया तो क्या होगा, 9% मिलेगा। तो पब्लिक भी समझदार है, यहाँ पे पैसा कम रखती है, यहाँ पे पैसा ज्यादा रखती है। हमें याद क्या करना है, टाइम लायबिलिटी ज्यादा होती है, डिमांड लायबिलिटी कम होती है। एब्सोल्यूट फिगर याद करके जाने की कोई जरूरत है नहीं। एनीवेज, सपोज 1 जनवरी 2015 है और इस दिन कुछ डिपॉजिटर्स ने 120 करोड़ रुपए मैडम को दिए और उसी वक्त कुछ और डिपॉजिटर्स ने अपने खाते से चेक के जरिए कुछ पैसे निकाले या फिर वो ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, टेलीफोन बिल, लाइट बिल, स्कूल के फीस वगैरह भर लिया, इस प्रकार से इन लोगों ने अपने 20 करोड़ अपने खाते से निकाल लिए, ठीक है, लोन में ये नहीं लिए, अपने खाते से ही इन्होंने निकाल लिए। तो मुझे बताइए मैडम के पास कितना पैसा बचा? 100 करोड़। 120 रखे और 20 करोड़ निकाल लिए, ठीक। तो ये जो हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, NDTL। फिर से बैंक की क्या होती है, कुछ टाइम लायबिलिटी होती है, कुछ डिमांड लायबिलिटी। अब हर एक दिन कुछ पैसा आता है, कुछ पैसा जाता है, तो क्या करना पड़ेगा, हमने कोई एक एब्सोल्यूट फिगर तो निकालना पड़ेगा। नेट निकाला 100 करोड़ मिल गया, तो बस अब उस 100 करोड़ के ऊपर से हमने ये सीआरआर और एसएलआर ये सब काउंट करना है। टाइम लायबिलिटीज हमने देखा फिक्स डिपॉजिट रिकरिंग, डिमांड लायबिलिटीज में हमने देखा करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इनके साथ मिला के समझिए कि एनडीटीएल बना अपना 100 करोड़। तो अब इस 100 करोड़ के 4% यानी 4 करोड़ आपने रख देने हैं सीआरआर में और इस 100 करोड़ के 22% मतलब 22 करोड़ आपने रख देने हैं एसएलआर में। फर्क क्या है, सीआरआर में जो पैसा रखा वो बस एक तरफ रख ही देना है, उसे आप किसी को लोन में नहीं दे सकती बैंक, उससे सोना नहीं खरीद सकती, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता, गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, वो बस एक तरफ रख ही देना है, किसी को लोन भी नहीं करना है। तो अब आप मुझे सोच के बताइए इस पे बैंक को प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है, सीआरआर पे बैंक को कभी प्रॉफिट नहीं होगा। उसके ऑपोजिट में है एसएलआर। एसएलआर का मतलब ये है स्टैट्यूटरी, मतलब वैधानिक, कानूनी रूप से इतना पैसा तो यहां रखना है जब मार के। और सामने क्या है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी समझते हैं, मैं यहां आपको लेक्चर दे रहा हूं,
एक प्रकार से ये लेबर है, और लेबर की क्या होती है, वैल्यू होती है। मान लीजिए उन्होंने मुझे दे दिए 1000 रुपए, ये मेरे लेबर की वैल्यू। अगर मैं कैश फॉर्म में रखूं तो ये क्या है, मोस्ट लिक्विड है, ठीक। अब ऐसे 1000-1000 जोड़ के अगर मैं घर खरीद लूं तो वो लिक्विडिटी बहुत कम हो गई उसकी। क्यों? क्योंकि मुझे काफी समय और परेशानी लग जाएगी उस मकान को वापस बेच के अपने लेबर की वैल्यू वापस ये जो मोस्ट लिक्विड फॉर्म यानी करेंसी में लाने के लिए। यहां पे क्या बोल रहा है कि स्टैट्यूटरी वैधानिक रूप से कंपलसरीली आपने कुछ पैसा तो लिक्विड एसेट्स के अंदर ही रखना है। लिक्विड एसेट्स कौन सी होती है? एक तो कैश खुद, इट इज द मोस्ट लिक्विड एसेट, ठीक। सेकंड होता है गोल्ड, क्योंकि आप जब भी चाहें गोल्ड को सेल कर सकते हैं और तुरंत आपको पैसा मिल जाएगा। थर्ड इज आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज शब्द आप समझिए, सिक्योरिटी मतलब कागज का एक टुकड़ा। अगर आपके पास है तो कोई व्यक्ति किसी तारीख को आपको कुछ पैसा देगा, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, हाँ जी, से कोई बॉन्ड खरीद लिया, कोई शेयर खरीद लिया, ये सब क्या है, एक प्रकार की सिक्योरिटीज है। यहाँ पे आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज ओनली, मतलब ऐसा नहीं कि कोई खड्डे में जा रही स्पाइस बैंक, स्पाइस जेट या फिर किंग फिशर, उसके शेयर खरीदेंगे, नहीं। आरबीआई ने जिनको अप्रूव किया है, आरबीआई ने अप्रूव किया एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जी सेक को। सेकंड, कुछ जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनके सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट, उन्हें अप्रूव किया है। कुछ ब्लू चिप कंपनियां उनके, तो अगर बैंक चाहे तो वो कैश में भी 22 करोड़ लगा सकती है, गोल्ड भी खरीद लिया या फिर आरबीआई अप्रूव सिक्योरिटी, तीन चीजों में से किसी एक में या इनके स्पेसिफिक मिक्सचर में कुल मिला के पैसा आपने रखना है कितना, 22%। यही बात अगर टेबल बना के देखें, डिमांड और टाइम जो डिपॉजिट है 100 करोड़ थी, 4% यहां से निकल गया और यहां पे कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ये सीआरआर सभी बैंकों को लागू पड़ता है, मतलब कमर्शियल बैंक को भी लागू पड़ता है, कोऑपरेटिव बैंक को भी लागू पड़ता है, आरआरबी को भी लागू पड़ता है, पब्लिक सेक्टर बैंक को भी, प्राइवेट को, सभी को। अगर ये मेंटेन नहीं करेंगे तो आरबीआई आप पे पेनल्टी लगाएगी। इस पे कोई प्रॉफिट नहीं हो सकता, मैंने बताया क्यों नहीं हो सकता। लेकिन इन द लेट 1999 के अंदर बैंकिंग सेक्टर में काफी मंदी देखने को मिली, तो उस वक्त आरबीआई इनको इन पैसों पे थोड़ा इंटरेस्ट देता था। तो अगर उस एक साल को छोड़ दे तो बाकी कभी सीआरआर पे प्रॉफिट नहीं हुआ है। अभी ये कितना है, 4% है, ठीक। कुछ समय पहले आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर डिसूजा, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक स्टडी रिपोर्ट बना के ये कहा कि ये कैश रिजर्व रेशियो में, अभी आपने बोला कि सिर्फ कैश में रखना है, नहीं, आप इनको छूट दीजिए बैंकों को, अगर वो चाहे तो गोल्ड में भी इन्वेस्ट करें या फिर फॉरेक्स में भी, मतलब डॉलर उतने खरीद ले रुपयों से। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये बात आरबीआई को फॉरवर्ड कर दी, तो राजन भाई ने बोल दिया नहीं। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी चल रही है। आप सोने का भाव देखिए, पहले बहुत चढ़ रहा था, ठीक, अब वापस नीचे आ रहा है। तो अगर मान लीजिए 1000 करोड़ आज लगा दिए और कल भाव नीचे गिर गया, तो एक प्रकार से डिपॉजिटर्स का पैसा ही लॉस में चला जाएगा। उसी प्रकार फॉरेक्स मार्केट में भी, डॉलर पहले था हाँ कि 65 और 70 तक पहुंच रहा था, अब वापस गिर के आ रहा है 65, 62, 60 पे आ रहा है। तो इन कारणों से मार्केट में वॉलेटिलिटी है, इसलिए ये जो इनका सुझाव है डिसूजा का, ये हम लागू नहीं कर सकते। ये करंट में अभी ये 2-3 दिन पहले आया, इसलिए समझना, बाकी तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। 100 करोड़ में से 4 करोड़ निकल गए सीआरआर में और 22 करोड़ निकल जाएंगे एसएलआर में, ठीक। तो बाकी कितना बचा पैसा बैंक के पास, 74 करोड़। वो फिर बैंक चाहे उसको लोन में दे सकती है, और जिसे चाहे उसे भी नहीं, उसमें भी प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स वगैरह रहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। एनीवेज, जो बात थी, ये SLR भी सभी बैंकों को लागू पड़ता है, मैंने जो पहले भी बताया, कमर्शियल, कोऑपरेटिव, पब्लिक, प्राइवेट, आरआरबी, सबको। तीन चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो कैश, गोल्ड, या फिर आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। एमसीक्यू के अंदर आपको ये बोला जाए कि SLR मींस ओनली आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, तो ये क्या वाक्य सही है, गलत है? गलत है। ओनली नहीं, केवल वो नहीं, गोल्ड और कैश भी सही है। इन पे कुछ प्रॉफिट होगा, हाँ होगा। कैसे? सोने में रख दिया और सोने का भाव बढ़ गया तो प्रॉफिट हो जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आप इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर सरकार आपको 8% ब्याज देती है, तो वो एक प्रकार से प्रॉफिट बन गया। उसी प्रकार ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के बॉन्ड्स वगैरह में पैसा डाल दिया तो थोड़ा प्रॉफिट बन जाएगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा, हाँ होगा। अभी 22% है। एनीवेज, अब ये केवल थोड़ी समझ के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, कि असल में ये कैसे मेंटेन करते हैं 22 करोड़। अब आप समझिए कि बैंक के अंदर तो हर घंटे में कुछ पैसा आता है, कुछ पैसा जाता है, ठीक है, तो फिर आप कैसे 100 करोड़ या NDTL निकालेंगे। रियल लाइफ में सिस्टम ये है कि हर फ्राइडे को गिनती की जाती है। मान लीजिए आज ही फ्राइडे है और आज NDTL निकला 100 करोड़, तो आज कुछ नहीं करना है, उसकी एक फोर्टनाइट आप जाने दीजिए, 15 दिन बाद, तो क्या होगा, वापस एक फ्राइडे आएगा,
और उसके बाद और एक फोर्टनाइट जाने दीजिए तो वापस एक फ्राइडे आएगा। तो अब यहाँ पे जो 100 करोड़ है उस पे हमने ये 4 करोड़ और 22 करोड़ जो बैकअप में रखना था वो कब तक रखना है, ये वाला फ्राइडे और ये वाला फ्राइडे, इसके बीच ये जो फोर्टनाइट बनी है तब तक आपने ये इतने करोड़ बैकअप में रखना है, ऐसा नहीं किया तो फिर पेनल्टी लगेगी। एनीवेज ये एमसीक्यू में या मुख्य परीक्षा में नहीं पूछेंगे, ये केवल जानकारी के लिए कि असल में ये काम कैसे चलता है। इंटरव्यू में मान लीजिए पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, फोर्टनाइट पे कैलकुलेट होता है फ्राइडे से फोर्टनाइट और फिर एक साइकिल के बाद उसे रखा जाता है वगैरह। अब तक हमने बात कर दी थी कि ये एनडीटीएल चीज क्या है, एसएलआर सीआरआर क्या है, अब हम आते हैं कि इनको इस्तेमाल करके हम महंगाई के सामने कैसे लड़ सकते हैं। महंगाई के सामने कैसे लड़ना है हमने देख लिया, मनी सप्लाई को कम करना है, टाइट मनी पॉलिसी या डियर मनी पॉलिसी लागू करनी है। कैसे, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऐसी हम सोचें, आईसीआईसीआई बैंक के पास 2 खोखे हैं मतलब 2 करोड़, और इस सिचुएशन में सीआरआर और एसएलआर 0% है, इनको छूट है जितना पैसा जिसको देना है आप दे दीजिए, और ये आईसीआईसीआई वाले हर एक लोन केवल 10% ब्याज पे देते हैं। तो अगर हम गिनती करें 2 करोड़ इनके पास है और उसका 10% ये मांगते हैं ब्याज पे, तो कितना पैसा मिला इनको, 20 लाख मिलेगा। ठीक, बैंक को 2 करोड़ ये घुमाएंगे ब्याज पे तो इनको मिलता है 20 लाख रुपीज, और फिर वहां पे उनके खर्चे वगैरह निकालेंगे, डिपॉजिटर को पैसा मिलेगा वापस, कुछ प्रॉफिट बनेगा। अब अगर महंगाई से लड़ना है तो आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, ये जो मनी सप्लाई है किसी कोई जुगाड़ करके ये मनी सप्लाई कम कर देना है। अब कम कैसे करेंगे, मान लीजिए राजन भाई ये बोलते हैं कि नहीं सीआरआर एसएलआर 50% होगा तो क्या ये 2 खोखे में से 1 खोखा तो एक बाजू बैकअप में ही रख देना है, ठीक है, उसको आप लैंड नहीं कर सकते। और अब ये जो बाकी का 1 खोखा बचा, और पैसे तो आपने फिर भी 20 लाख ही कमाने हैं क्योंकि स्टाफ सैलरी लाइट बिल फोन बिल सभी खर्चे रहते हैं, ठीक है, तो उस केस के अंदर बैंक वाले क्या करेंगे, जो पहले 10% पे देते थे पैसा, अगर यहां भी 1 करोड़ 10% पे दिया तो हाथ में आएगा 10 लाख, इनको चाहिए 20 लाख, तो क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ा देना पड़ेगा कि 10% से बढ़ा के अगर 20% कर दिया अपने सभी लोन का इंटरेस्ट रेट, तो वापस आप देखिए यहाँ पे इनको 20 लाख मिल रहा है। बोलने का ये है कि जब मनी सप्लाई कम होगा तो मनी क्या हो जाएगा, कीमती हो जाएगा, डियर हो जाएगा, और डियर मनी हो जाएगा तो अपने आप बैंक वाले अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो मार्केट पे इसकी क्या असर दिखेगी, पहले बाइक सब मिलते थे लोन पे 10% पे, अब हो गया 20%, तो स्वाभाविक है कुछ लोग पोस्टपोन कर देंगे अपना बाइक खरीदने का डिसीजन। और जब ये डिमांड में कमी आएगी और एक बाइक मान लीजिए चल रही थी 50,000 में, तो फिर ऑटोमेकर क्या करेगा, थोड़ा दाम कम कर लेगा ताकि कोई आ जाए, 50,000 से घटा के कर दिया 48,000। उसी प्रकार अगर हाउसिंग सेक्टर में पहले लोन में 10% पे हाउसिंग लोन मिल रहे थे, अचानक से फिर ये 20% कर दिया, कुछ लोगों ने अपना आइडिया पोस्टपोन कर लिया, स्वाभाविक है तो फिर रियल एस्टेट में जो 10 लाख में बिल्डर बेच रहा था वो बोलेगा ठीक है 950 दे दीजिए, 8 लाख दे दीजिए, धीरे धीरे कमी देखी जाएगी। और वहां पे जब कमी आएगी तो ट्रिकल डाउन करते हुए नीचे भी आपको ये कमी दिखेगी कि बिल्डर के पास मान लीजिए कि अब पहले से कम उसके प्रॉफिट हो रहा है, तो वो मोबाइल जो हर हफ्ते बदलता था वो अब हर महीने या हर साल बदलेगा, तो ये मोबाइल रिपेयर करने वालों को भी जो काम मिलता था पहले से थोड़ा कम हुआ, फिर वो नए क्लाइंट को लेने के लिए क्या करेंगे, और कोई नई स्कीम कि ठीक है अगर आप हमारे पास रिपेयर कराओ तो मुफ्त में आपको स्क्रीन सेवर या फिर वो टच स्क्रीन लगा के देंगे, ये वो बाइक की अगर आप सर्विस करा देते तो फिर वो बोलेगा कि नहीं मैं आपके घर से ले जाऊंगा और वापस सर्विस करके आपके घर पे दे जाऊंगा। धीरे धीरे करके लोन इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो अपने आप महंगाई इस प्रकार से कुछ कम आएगी। अगर असल में ये पढ़ाना हो कि इंटरेस्ट रेट की क्या इफेक्ट होती है सप्लाई डिमांड पर या महंगाई पर, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे आपको कुछ ग्राफ बना के फिर वो फॉर्मूला इक्वेशन से पढ़ाना पड़ेगा। ठीक, अब वो तो मुझे भी नहीं आता क्योंकि मैंने एमकॉम या एमए या पीएचडी कुछ किया नहीं, तो मैं अपने दिमाग में क्या अतिक्रम लगा के चलता हूँ कि महंगाई के सामने लड़ना है तो बस एक काम करो, मनी सप्लाई कम करो। मनी सप्लाई कम होगा तो क्या होगा, लोन के ब्याज दर बढ़ जाएंगे, और लोन के ब्याज दर बढ़ जाएंगे तो अपने आप डिमांड जो पब्लिक की है वो कम हो जाएगी, और जब डिमांड कम हो जाएगी तो फिर जितने ये बिल्डर हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर हैं ये जो सब हेकड़ी मार के चलते हैं उनकी थोड़ी हेकड़ी कम हो जाएगी और अपने आप डिमांड जो अपना प्राइस है पहले से थोड़ा वो कम कर लेंगे। ठीक, तो बस इसी कंसेप्ट से मैं चलता हूँ कि हाँ ये इम्पैक्ट आएगा रियल लाइफ तो ग्राफ वगैरह से, लेकिन वो हमने करने की जरूरत इसलिए नहीं कि एमसीक्यू में तो बस कुछ विजुलाइज करके एलिमिनेट करते जाइए और आपका जवाब बन गया। एनीवेज तो
इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे थे, इन्फ्लेशन के सामने लड़ना हो तो सीआरआर एसएलआर से कैसे करेंगे? आरबीआई सीआरआर एसएलआर को बढ़ा दे, बैंकों के पास पहले से कुछ पैसा कम रहेगा लोन में घुमाने के लिए, तो फिर वो क्या करेंगे? अपना प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करने के लिए ब्याज दर थोड़ा बढ़ा देंगे, पब्लिक पहले से कम बोरो करेगी, डिमांड कम होगी, अपने आप प्राइस कम हो जाएंगे और इस प्रकार महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। और इसके सामने डिफ्लेशन से लड़ना भी जरूरत है कि बहुत अगर दाम नीचे आ जाए तो फिर क्या होगा, बच्चों की पिटाई शुरू हो जाएगी, तो वो बंद कराने के लिए क्या करना है? जो यहां करना है उससे उल्टा यहां पे करना है, ठीक है? यहां आरबीआई ने क्या करना चाहिए, सीआरआर एसएलआर को कम कर देना चाहिए। तो पहले जो एक खोखा आप लैंड नहीं कर पा रहे थे आईसीआईसीआई, वो वापस उन्हें लैंड करने दीजिए, तो क्या होगा, बैंकों के पास पहले से ज्यादा पैसा हो गया लैंड करने के लिए। अब ऐसा होगा अगर चार बैंक है, सभी के पास पहले से थोड़ा पैसा बढ़ गया, तो उनमें से एकाध बैंक तो ऐसा करेगी कि मैं अपना ब्याज दर थोड़ा कम कर दूं ताकि मुझे कोई नया क्लाइंट मिल जाए, ठीक? तो उसी कंपटीशन में फिर क्या होगा कि एक एक करके लोन के इंटरेस्ट रेट कम होंगे, पब्लिक पहले से थोड़ा ज्यादा बोरो करेगी, डिमांड बढ़ेगी और धीरे धीरे वापस प्राइस जो एकदम नीचे जा रहे हैं कुछ स्टेबिलाईज हो जाएंगे, ठीक है? एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए एक आप टेबल इस प्रकार से बना के उसे याद कर लीजिए, इन्फ्लेशन से कैसे लड़ेंगे और डिफ्लेशन से कैसे लड़ेंगे। इन्फ्लेशन से लड़ना है तो क्या करना है, टाइट मनी पॉलिसी या फिर डियर मनी पॉलिसी। डिफ्लेशन से लड़ना है तो क्या करेंगे, इजी मनी पॉलिसी या फिर चीप मनी पॉलिसी। अब ये तो पॉलिसी, और पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए हाथ में कुछ हथियार इंस्ट्रूमेंट स्कीम एक्ट होना चाहिए। पहला हथियार क्या था, सीआरआर एसएलआर। सीआरआर एसएलआर से महंगाई से लड़ना है तो क्या करेंगे, उसे इंक्रीज करेंगे। और बस इतना याद रह गया तो फिर डिफ्लेशन अपने आप याद कि यहां पे ऑपोजिट ही लिखना है, तो अगर यहां इंक्रीज करना है तो यहां पे डिक्रीज करना है, ठीक? कुछ आसान एमसीक्यू अब सॉल्व करते हैं, टेबल ये दिमाग में फिट हो जाए तो। स्क्रीन पे सवाल देखिए, आप मन में सोचिएगा कि क्या होना चाहिए बीसीडी। करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करिए। फर्स्ट, टू कॉम्बेट इन्फ्लेशन आरबीआई शुड परस्यू चीप मनी पॉलिसी। महंगाई से लड़ने के लिए आरबीआई ने चीप मनी पॉलिसी से काम आगे बढ़ाना चाहिए। सेकंड, टू कॉम्बेट डिफ्लेशन आरबीआई शुड इंक्रीज स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। डिफ्लेशन से लड़ने के लिए आरबीआई ने एसएलआर को बढ़ा देना चाहिए। दोनों सही है, दोनों गलत है, आप दिमाग में सोचिए क्या होना चाहिए। टेबल याद हो तो ये बच्चों का खेल है, ठीक? पहली जो बात, इन्फ्लेशन से लड़ना है तो क्या करना चाहिए, टाइट मनी पॉलिसी करनी चाहिए या फिर डियर मनी पॉलिसी, तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत है। सेकंड, की डिफ्लेशन से लड़ना है तो एसएलआर को बढ़ाना चाहिए, गलत। एसएलआर को कम करना चाहिए, अपना टेबल याद कीजिए दिमाग में, तो ये भी गलत है। तो जवाब अपना क्या होगा, डी। करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करने को पूछा है तो बोला उसका जवाब होगा नाइदर ए नॉट बी, ठीक? कई बार यूपीएससी वाले ट्रिक बनाते हैं, यहाँ पे आपको बोलते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करो, तो क्या होगा जवाब, सी जवाब हो जाएगा, ठीक? इस केस में जवाब होगा सी, बोथ ए एंड बी आर इनकरेक्ट। अगर आप पुराने पेपर देखें तो मेजोरिटी में ये होता है कि आपको ये पूछते हैं कि फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, लेकिन चार पांच सवाल 100 में से ऐसे निकल जाते हैं उसमें वो पूछता है कि फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में उनके दिमाग में तो उन्होंने सही सॉल्व किया है कि हाँ ये गलत है ये गलत, लेकिन बोले सी और डी में कुछ। तो जब भी आप सॉल्व करें तो पहले ये देख लीजिए कि वो क्या पूछ रहा है आपसे, इनकरेक्ट पूछ रहा है या फिर करेक्ट पूछ रहा है। जब आप ऑनलाइन एग्जाम देते होंगे तो वहां पे एक फीचर होता है मार्क एंड रिव्यू का, कि अंत में आप सारे सवाल वापस देख सकते हैं। रियल लाइफ में भी हम कर सकते हैं, पेन एंड पेपर टेस्ट आप दे रहे हैं, मान लीजिए 35 नंबर पे ये सवाल है और किसी कारण से अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, पेपर के अंत में जो स्पेस फॉर रफ वर्क होता है वहां पे आप लिख दीजिए 35, और फिर परीक्षा के अंत में वापस वो आप देख सकते हैं हाँ ये वाले सवाल में ये होता। जब भी आप परीक्षा दें आपके पास तीन ऑप्शन रहते हैं, पहला जवाब आपको मालूम है तो क्या करेंगे, अटेम्प्ट। जवाब नहीं मालूम है तो आप करेंगे स्किप। कुछ केस में ये बनता है कि 50-50 होता है, ये होना चाहिए ये होना चाहिए। कई बार मैच के एग्जाम्पल में यार ये तो जवाब अपना एक भी ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, मार्क एंड रिव्यू में के अंत में कुछ समय मिल जाए और मैं वापस इसे सॉल्व कर दूं। इस केस के अंदर क्या करना चाहिए, इसको हम क्या मार्क एंड रिव्यू में रख सकते हैं, हाँ या ना? जवाब ना है। कारण, मार्क एंड रिव्यू में कब रखना चाहिए कि आपको कुछ डाउट है 50-50 वगैरह हो रहा है। अब आप समझिए कि इस वाले कंसेप्ट में जिसको 50-50 हो रहा है तो मतलब कि वो अंत में स्ट्रेस में आके कुछ गलती कर सकता है, ठीक? क्योंकि जो अंत में 15 मिनट्स, तो आपको एक तो ये बच्चे हर बार क्या करते हैं 100 सवाल है एमसीक्यू के, हर एक एक घंटे में गिनती करते हैं कि कितने ब्लैक सर्कल मैंने किए, 10, 20, 30, और फिर लास्ट 15 मिनट में पता चलेगा कि यार 50 हुए और मेरे सीनियर ने तो बोला था 80 करने थे,
फिर जो मार्केट रिव्यू में रखे हैं वो सारे तिक्रमबाजी में सॉल्व किए जाएंगे, नहीं। ये क्या है, एक प्रकार का प्रिंसिपल है। अगर आपको प्रिंसिपल पता है तो फिर होगा, फिर आप अंत समय में सेट नहीं कर रहे। कहने का ये है कि मार्केट रिव्यू में इकोनॉमी वाले सवालों को मत रखो, सॉल्व हो गया तो हो गया, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ। जो लोग फेल होते हैं सिंसियर प्रिपरेशन के बाद भी, वो ऐसे लोग फेल जब होते हैं तो इस कारण से नहीं कि वो बहुत कम टिक करके आए थे, वो इसलिए कि कुछ नेगेटिव में थोड़े मार्क्स चले गए थे। ठीक, पिछली बार कट ऑफ था 241 मार्क्स। जो लोग यहाँ पे आपके सीनियर वगैरह फेल हुए, उन्हें पूछे कि आपका मार्कशीट में कितना बोलता है, 235 240 पे आसपास। अगर थोड़े भी अगर नेगेटिव में कम चले गए होते तो वो प्रीलिम क्लियर कर पाते थे। इस कारण से हमेशा एक्यूरेसी आप मेंटेन करिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। और एक सवाल पूछा गया 2010 की यूपीएससी में, व्हेन आरबीआई इंक्रीजेस सीआरआर इट मींस, उसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए, आरबीआई विल हैव लेस मनी टू लेंड। सेकंड, गवर्नमेंट विल हैव लेस मनी टू स्पेंड, सरकार के पास पैसा खर्च करने के लिए कम होगा। थर्ड, कमर्शियल बैंक्स विल हैव मोर मनी टू लेंड, कि बैंकों के पास उधारी में देने के लिए पैसा बढ़ जाएगा। एंड फोर्थ, कमर्शियल बैंक्स विल हैव लेस मनी टू लेंड। देख लेते हैं, जब आरबीआई ये बोलती है कि सीआरआर हम बढ़ा रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है। सवाल ये है, पहला स्टेटमेंट कि आरबीआई विल हैव लेस मनी टू लेंड, कि आरबीआई वालों को उधारी में देने के लिए पैसा कम हो जाएगा, ये तो कैसे शक्य है। राजन भाई चाहे उतने नोट छाप सकते हैं, ठीक, इरेलेवेंट स्टेटमेंट। सेकंड, सरकार के पास पहले से कम हो जाएगा पैसा उधारी में, तो आप सोचिए कि सरकार ने तो सीआरआर कभी मेंटेन करना ही नहीं पड़ता, तो इसका इसके साथ कोई लेना देना ही, अनदर इरेलेवेंट स्टेटमेंट। थर्ड क्या है, कमर्शियल बैंक्स विल हैव मोर मनी टू लेंड, ये तो रिवर्स होगा इसका, कि जब सीआरआर कम किया जाएगा तो बैंकों के पास पहले से ज्यादा उधारी में पैसे देने के लिए होगा। फोर्थ स्टेटमेंट, कमर्शियल बैंक विल हैव लेस मनी टू लेंड, तो मतलब जवाब होगा इसका डी, इसको मार्केट रिव्यू में रखना चाहिए नहीं। ये देखिए, कभी भी फैक्ट टाइप का सवाल हो या फिर डेफिनेशन, तो तुरंत आपको पता है तो करिए, बाकी डेफिनेशन नहीं पता है तो इसका कोई जवाब हो नहीं सकता। अब हम जरा ट्रेंड देख लें, एसएलआर सीआरआर। रघुराम राजन के आने से पहले जो पुराने गवर्नर्स थे उनका फॉर्मेट ये था कि हम हर 45 डेज पे अपनी पॉलिसी अपडेट करेंगे। राजन भाई ने बोला नहीं, मैं तो हर 60 डे पे अपनी पॉलिसी अपडेट करूंगा। मतलब क्या हुआ, बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। ठीक, 2014 की अप्रैल महीने से उन्होंने ये काम शुरू किया, हर दो दो महीने पे वो अपडेट करेंगे, अप्रैल, फिफ्थ, जून, अगस्त, सितंबर, दिसंबर, और फिर फिफ्थ जो अपडेट आया था दिसंबर के अंदर, और उसके दो महीने आप जोड़ के चलिए तो क्या होगा, फरवरी 2015 में सिक्स्थ अपडेट आना चाहिए। लेकिन उससे पहले यस्टरडे को ही 15 तारीख को राजन भाई ने अचानक से कुछ मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट दे दी, जो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। एनीवेज, तो ये क्या है, बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू चलता है, और उसके अंदर ये सारे फॉर्मेट होते हैं कि बैंक रेट कितना होगा, एमएसएफ एल, ये रेपो रेट क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर सीआरआर क्या होगा। हमने अब तक जो पढ़ा, एक तो एसएलआर पढ़ा और सीआरआर, वो पहले एसएलआर था 23%, कम करते करते राजन भाई ने कितना कर दिया, 22%, और कभी लंबे समय से ये 22% ही चल रहा है। सीआरआर था 4%, वो तो लंबे समय से यही चल रहा है। जो यस्टरडे को अपडेट किया गया वहां पे भी राजन भाई ने इसको अपडेट नहीं किया, ये तो 22.4 चल रहा है। अब सवाल होता है कि 2014 के शुरुआत के समय में महंगाई तो कम हुई नहीं थी, और हमने तो अब तक ये पढ़ा कि जब महंगाई से लड़ना हो तो क्या करना चाहिए, एसएलआर को बढ़ाना चाहिए। ठीक, इस केस में राजन भाई ने क्या किया, एसएलआर कम कर दिया, 23 से घटा के 22% कर दिया। ऐसा क्यों किया, समझते हैं। डिपॉजिटर्स ने कुछ पैसा रख दिया है, मैडम ने वो कुछ पैसा उसमें से सीआरआर एसएलआर में रखा और बाकी का बोरोवर्स को दे दिया है। अब एसएलआर में जो पैसा रखा गया तो क्या करेगी, सरकारी बैंक वाले ज्यादातर क्या करते हैं, वो सारा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर लगा देते हैं, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा जो लगा है वो कहां पे जाता है, सरकार को, सरकार की स्कीम सब्सिडी वगैरह को फाइनेंस करने के लिए। लंबे समय से इकोनॉमिस्ट और सारे एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि सरकार को अपने ये खर्चे थोड़े कम करने चाहिए सब्सिडी वाले। सरकार भी मान गए कि हाँ, हम धीरे धीरे ये सब्सिडी अपनी कम करेंगे, पेट्रोल डीजल पे जो पहले चला था 2013 में, धीरे धीरे उनको बाहर निकाला गया। तो इस प्रकार से एक फिजल कंसोलिडेशन शुरू किया सरकार ने, और तब सरकार को पहले से कम पैसों की जरूरत पड़ेगी ये बैंक के एसएलआर से जो आ रहे हैं।
इस कारण राजन भाई ने समझ के ये तय किया कि हाँ इनको अब पैसा कम चाहिए तो क्या करना चाहिए, हमने SLR थोड़ा कम कर दे तो बैंक के पास पहले से ज्यादा पैसा रहेगा लैंड करने के लिए, और वो कहां पे जाएगा, आम आदमी को, बिजनेसमैन को, मतलब कि प्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी उनको पैसा मिल रहा है, उनको थोड़ा पैसा मिल जाए, उस कारण से SLR को कम किया गया, डिस्पाइट द फैक्ट कि महंगाई तो कम हुई नहीं थी। हमने जो अब तक बात की, SLR जो था, कुछ पैसा बैंकों ने गोल्ड या फिर कैश या फिर गवर्नमेंट अप्रूव्ड RBI अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में रखना था 22%। CRR हमने पढ़ लिया 4% कि वो कहीं पे भी लैंड नहीं करना है, उस पर कोई प्रॉफिट नहीं होगा, और ये दोनों चीजें किस पे मेंटेन करनी है, NDTL पे। तो यहां तक हमने पढ़ लिया, अब धीरे धीरे करके आगे चलते हैं। रिजर्व रेशियो का काम खत्म हुआ, अब आएंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन पे, OMO। OMO क्या चीज है? सरकार बजट बनाती है, हमसे कुछ पैसा टैक्स में लेती है, और वो क्या करेंगे, उस टैक्स के पैसे से कुछ अपनी सरकार को भी चलाने के लिए पैसा चाहिए और कुछ पैसा स्कीम सब्सिडी में भी लगाने को चाहिए। लेकिन हमेशा टैक्स में जो पैसा आता है उससे स्कीम सब्सिडी का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, तो बीच में जो फॉल हुआ वो खड्डा कैसे भरेंगे, उधारी करनी पड़ेगी सरकार को। तो मान लीजिए अगर नरेंद्र मोदी राजन भाई को फोन कर दे दें, हाँ चलो 1,000 करोड़ के ट्रक बना के नोट छाप के मुझे दे दो, क्या इस प्रकार से चलती है? नहीं, किया ये जाता है कि सरकार को जब भी रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो और इस प्रकार से कुछ पैसों की आवश्यकता हो तो सरकार की तरफ से इश्यू होगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, GSEC, जिसपे कुछ लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल की एक GSEC की कीमत है 1,000 रुपए, 8% हम इंटरेस्ट देंगे और 10 ईयर्स के बाद ये मैच्योर होगी, मतलब उस वक्त आपको वो प्रिंसिपल के पैसे वापस मिल जाएंगे। तो उस प्रकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इश्यू की जाती है। राजन भाई क्या करेंगे, अगर 1,000 करोड़ की ये सिक्योरिटीज उनके पास आई, उनकी तिजोरी में पैसा है, तो वो सीधा मोदी को दे देंगे, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, नए नोट छाप के मोदी को पैसा दिया जाएगा। ऐसा करते करते राजन भाई के पास क्या होगा, बहुत सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हाथ में आ गई है, इनकी मदद से वो मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये जो मुद्दा है उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। वापस हम बात करें कि इन्फ्लेशन से लड़ना है, महंगाई से लड़ना है, कैसे लड़ेंगे, ये मनी सप्लाई कम करना है, ठीक है, ये 2 खोखे हैं तो कम करके 1 खोखा में कर दूं तो महंगाई अपने आप काबू में आ जाएगी। इस केस में ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होगा, राजन भाई मान लीजिए कि कुछ सिक्योरिटीज मैडम को बेच देते हैं और सामने मैडम उसके लिए राजन भाई को 1 करोड़ दे देती है, तो अब क्या हुआ, पहले जो 2 खोखे थे उससे कम होके 1 खोखा ही बचा मैडम के पास, मनी सप्लाई कम हुआ, और मनी सप्लाई कम हुआ तो फिर महंगाई कैसे कम होती है, हमने आगे बहुत बार चर्चा कर ली। तो इस प्रकार से ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेल करके अगर राजन भाई चाहे तो महंगाई को कम कर सकते हैं। तब सवाल होता है कि मैडम को ये काम करने की जरूरत क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर कोई कंपल्शन नहीं होता बैंक को कि वो सिक्योरिटीज आपने खरीदनी ही है। इसका कारण ये है कि जब भी इन डिपॉजिटर्स ने मैडम को पैसा दे दिया तो फिर मैडम ने तो उन्हें इंटरेस्ट पे करना ही है, ठीक है, 4% 9% जो भी। अब ये वाला पैसा ऐसा तो नहीं है कि तुरंत यहां से पैसा और सामने वो 2 लाइन में खड़े हैं कि हमको लोन दे दीजिए, और अगर वो लाइन में भी खड़े हैं तो फिर आपने लोन प्रोसेसिंग तो करनी पड़ेगी, फाइल क्लियर करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब तक वो काम नहीं होता तो मैडम के पास वो पैसा आइडल पड़ा है, आइडल पड़ा है तो मैडम को वो क्या हुआ रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि उन्होंने तो इस पैसे पे इन दोनों को कुछ इंटरेस्ट पे करना ही है। इसलिए कोई भी पैसा ऐसा आइडल पड़ा रहे ये बैंक के हित में नहीं, तो वो कुछ भी अपॉर्चुनिटी देखते रहते हैं कि हाँ चलो यहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया, यहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अगर इन्वेस्ट कर लिया मैडम ने तो क्या होगा, कम से कम 8% तो मिल ही जाएगा उनको रिटर्न, और यहाँ पे ये 4% वालों को थोड़ा दे देंगे तो अपना काम चल जाएगा। तो इस कारण से ओपन मार्केट ऑपरेशन में बैंक वाले पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अनुसंधान में लिक्विडिटी और मनी सप्लाई 2 कंसेप्ट आप याद कर लीजिए MCQ के लिए। जब भी राजन भाई के पास पैसा आता है तो मनी सप्लाई कम होती है या फिर लिक्विडिटी कम होती है, ये पहला प्रिंसिपल आप याद कर लीजिए। सेकंड, जब भी राजन भाई से पैसा दूर जाता है तो मनी सप्लाई बढ़ता है, लिक्विडिटी बढ़ती है, ये आप याद कर लीजिए, आगे MCQ में ये कंसेप्ट आपको ये हम यूज करेंगे। तो अब आप सोचिए कि ओपन मार्केट ऑपरेशन की मदद से अगर महंगाई से लड़ना हो तो क्या करेंगे राजन भाई, मैं तो ये विजुलाइज करके चलता हूं कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं
ऑनियंस है। अब मनी सप्लाई कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, पैसा राजन भाई की तरफ आना चाहिए। वो कैसे करेंगे राजन भाई, अपने ऑनियंस बेचने को निकाले, सामने पब्लिक ऑनियन खरीदती है तो क्या करेंगे, वो पैसा राजन भाई को दे रहे हैं। तो पैसा राजन भाई की तरफ आ रहा है, मनी सप्लाई कम हो रहा है, इन्फ्लेशन से लड़ाई हो रही है। तो मतलब कि ओपन मार्केट ऑपरेशन की मदद से इन्फ्लेशन से लड़ना हो तो क्या करना चाहिए राजन भाई ने, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करना चाहिए, बेचना चाहिए। बस ये सेट हो गया तो सामने वाला अपने आप सेट हो जाएगा। कि डिफ्लेशन से लड़ना हो तो क्या करना चाहिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेस करना चाहिए। अब समझिए राजन भाई, अब पब्लिक से ऑनियन खरीदना शुरू करेंगे तो क्या होगा, भाई उनको पैसा देंगे, ठीक है, पैसा भाई से जब भी दूर जाएगा तो क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो आप डिफ्लेशन से लड़ पाएंगे। ये क्या इजी मनी पॉलिसी या फिर चीप मनी पॉलिसी, यूपीएससी 2013 में कुछ सवाल पूछा गया। इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या है, फर्स्ट बोरोइंग बाय शेड्यूल बैंक फ्रॉम आरबीआई, ये शेड्यूल बैंक वाले आरबीआई से उधारी पैसा ले उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। सेकंड लेंडिंग बाय कमर्शियल बैंक टू इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड, ये बैंक वाले किसी उद्योगपति को उधारी में पैसा दे उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। थर्ड परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई, एंड फोर्थ इज नन ऑफ अबोव, जवाब क्या होगा सी, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, खरीदी भी करे वो भी सही, बेचने निकले वो भी सही, ओपन मार्केट में दोनों बातें आती हैं। अच्छा बताइए, मैं अगर ये स्टेटमेंट इस प्रकार से रखूं, ओनली द परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, तो जवाब क्या होगा इस सवाल का, जवाब हो जाएगा डी, नन ऑफ अबोव, ठीक है, केवल परचेज नहीं दोनों है, परचेज भी है और सेल भी है। क्रॉस चेक करना, बोरोइंग बाय शेड्यूल बैंक फ्रॉम आरबीआई से ये दूसरी बैंक वाले उधारी में पैसा ले तो उसको बोलते हैं बैंक रेट या फिर रेपो रेट, तो ये गलत है। सेकंड कमर्शियल बैंक वाले उद्योगपति को उधारी में पैसा दे तो वो भी गलत है, इरेलेवेंट है, ये वाला सही है, फोर्थ तो लागू नहीं है। यहाँ पे भी मार्केट रिव्यू में रख सकते हैं नहीं, ये तो क्या है, एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन पता है तो जवाब होगा वरना नहीं होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेट बना के 2012 की सीसेट में पूछा गया। पूछा ये है इनमें से क्या काम करेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा इकोनॉमी में। ऑप्शन एक है परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक, कि राजन भाई जनता से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदे तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, ये फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक्स बाय पब्लिक, मतलब जनता बैंक में पैसा जमा कराए तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। थर्ड बोरोइंग बाय गवर्नमेंट फ्रॉम सेंट्रल बैंक, कि मोदी आरबीआई से उधारी में पैसा ले तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। एंड फोर्थ सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू पब्लिक बाय सेंट्रल, कि राजन भाई अपनी सिक्योरिटी जनता को बेचने को शुरू करे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। ये आपको चार स्टेटमेंट है और उसके ऑप्शन की कौन कौन सा होना चाहिए, आप मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, आप दिमाग में सोचिए सोचिए सोचिए। कितनों को लगता है इसका जवाब ए होना चाहिए, ओनली वन, सी कितनों को लगता है, ओके इसको स्किप करेंगे, ऐसे कुछ क्या कोई इसे स्किप करेगा। एक एक देखिए, जब भी आपके पास इतने सारे स्टेटमेंट जमा हो जाए तो क्या करना चाहिए, एलिमिनेशन मेथड से आगे बढ़ना चाहिए, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो जल्दी से और एक्यूरेटली अपने को जवाब मिलेगा। देखते हैं, सबसे पहले तो ऐसा स्टेटमेंट आप पकड़िए आपको पक्का मालूम है कि ये वाला तो गलत ही है, तो फोर्थ वाला क्या है, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू पब्लिक बाय सेंट्रल बैंक। अब मैंने जो बोला, मैं कैसे विजुलाइज करता हूं कि राजन भाई अपने ऑनियंस पब्लिक को बेचना शुरू करे तो क्या होगा, पब्लिक भाई को पैसा देगी और भाई के पास पैसा आता है तो हम क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई कम होगा, ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट तो गलत ही है किसी भी संजोगों में, और हमको ये पूछा कि इंक्रीज होगा कि नहीं, तो ये फोर्थ वाला गलत है। और जहां भी आपको फोर्थ दिखे कर दीजिए एलिमिनेट, बी भी चला गया, डी भी चला गया। अब दारो मदार इस पे है कि वन एंड एक है, ओनली वन एंड सेकंड इज वन एंड थ्री, मतलब कि ये थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है या गलत, कि बोरोइंग बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, मोदी अगर भाई से पैसा उधारी में ले तो मनी सप्लाई बढ़ेगा कि नहीं। जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि भाई से पैसा दूर जाए तो क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा। और इस केस में भी आप सोचिए कि मोदी अगर उधारी में पैसा लेंगे तो हवा में से पैसा नहीं, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी देंगे तो सामने भाई उनको पैसा देंगे, ठीक है, तो उस हिसाब से हम चले तो फर्स्ट तो स्टेटमेंट सही था, जब भाई लोगों से
गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेंगे तो मनी सप्लाई तो बढ़ेगा क्योंकि पैसा उनसे दूर जा रहा है। और थर्ड वाला भी सही है क्योंकि जब सरकार पैसा लेती है तो भी वहीं से पैसा दूर जा रहा है। इस कारण से इसका सही जवाब होगा 1 और 3। और सही जवाब इसलिए होगा कि टेस्ट सीरीज 8 यूपीएससी की 2012 की उसके 77 नंबर का एक क्वेश्चन और आरटीआई और ऑफिशियल आंसर के में उन्होंने बोला है सी। देखिए जब ये असल में क्वेश्चन पेपर सामने आया था तो कई लोगों को शंका थी कि ये थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है या गलत। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मोदी ने राजन भाई से पैसा लिया और उससे इसराइल से हमने कोई मिसाइल खरीद ली तो मनी सप्लाई कहां पे बढ़ा, है ना, शंका हो सकती है आपको। अब क्योंकि आरटीआई से जवाब मिल गया तो अब तो तुक्का मार के कोई भी फिट कर सकता है कि हाँ 1 और 3 होना चाहिए। एग्जाम के अंदर कई लोगों को यार ये केस पे ये सही है या गलत, मेरी आपको सलाह ये है कि अगर आप अपने आप को कन्विंस कर पाए तो टिक करिए, अगर डाउट रहता है शंका होती है तो फिर क्या करना चाहिए, स्किप करके आगे बढ़ना चाहिए। देखिए अभी तो हमने ये समझा और इसलिए थोड़ा आसान लगेगा, लेकिन इससे ज्यादा कठिन बहुत सारे सवाल यूपीएससी में मिलते हैं, जबकि 50-50। और कई बार तो ये होता है कि आप सर्च भी कर ले इंटरनेट, विकिपीडिया, गूगल बुक्स, सभी बुक्स, तो कहीं पे भी आपको सीधा ये नहीं बोलेगा कि हाँ ये सही है या गलत है। जब शंका हो जाए, अपने आप को आप कन्विंस नहीं कर पा रहे तो उसे स्किप कर दीजिए, अटेम्प्ट में फिर ज्यादा लक आजमाने की जरूरत नहीं। खैर हमने रिजर्व रेशियो की बात कर ली, एसएलआर सीआरआर क्या था, हमने ओपन मार्केट देख लिया, अब धीरे धीरे बात करेंगे ये रेट्स की कि बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या है, एमएसएफ एलएफ वगैरह। उससे पहले लेना एक ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक लेके फिर मतलब मेरी घड़ी में जब 3:20 हो जाए तो आप लोग वापस आ जाइए।